लोगों को लगता है कि रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। अक्सर लोग इसी तरीके से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनके लिए तकलीफ पैदा होने लग जाती है, जिसकी वजह रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी न होना होते हैं। दरअसल रनिंग करना एक साइंस है। जिस तरीके से क्रिकेट में टेक्निक अच्छी होने पर बल्लेबाज बिना दिक्कत के लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, उसी तरीके से सही तरीके से की गई रनिंग की वजह से आप लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे स्टैमिना भी बढ़ेगा। स्टैमिना जितना ज़्यादा होगा उतने ही देर तक दौड़ने के चांसेस होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको रनिंग की कुछ टेक्निक्स और स्टैमिना बढ़ाने की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं रनिंग करने के सही तरीके। नंबर फर्स्ट, सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं रनिंग करते वक्त कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते रहते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर सर ऊपर या नीचे की तरफ होएगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। रनिंग करते वक्त कोशिश कीजिए कि आपका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका रहे। नंबर सेकंड, हाथों की पोजीशन। रनिंग में हाथों की मूवमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हाथ अगर सही पोजीशन में रहें तो आपको रनिंग करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दौड़ते वक्त हाथों को कंधे से 90 डिग्री के कोण पर रखें। ध्यान रखिए पसलियों और कोने के बीच ज़्यादा गैप ना बने। नंबर थर्ड, पैरों की लैंडिंग। ये रनिंग करने का सबसे अहम पहलू माना जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर सवाल होता है कि पैर लैंड कराते वक्त पंजों के बल लैंडिंग करनी चाहिए या फिर हील के बल। अक्सर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को ज़मीन से छूते हैं और फिर उनके पंजे भी नीचे आते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हील ज़मीन पर पहले छूने की वजह से शरीर का सारा भार टखनों के जरिए होता हुआ घुटनों तक आएगा। अगर हम लंबे समय तक इसी तरीके से रनिंग करते रहे तो घुटने में परेशानी आ सकती है। ऐसा ही पंजों के सबसे पहले लैंडिंग कराने पर हो सकता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो, जिसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही सीमेंटेड रोड पर दौड़ने से आपको परहेज करना चाहिए। अब बात आती है पानी पीने और सांस लेने की। दौड़ने से 5-10 मिनट पहले आप थोड़ा पानी अपने हिसाब से पी सकते हैं, लेकिन आपको दौड़ने से पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आप दौड़ते समय पेट में दर्द हो सकते हैं। इसके साथ ही आप दिन भर भरपूर पानी पीजिए, क्योंकि दौड़ते समय शरीर में काफ़ी सारा पानी पसीने के रूप में बह जाता है। रही बात सांस लेने की, कई लोग पूछते हैं कि दौड़ते समय मुँह से सांस लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि दौड़ते समय कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। दौड़ते समय आपको लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, इससे आप जल्दी नहीं थकेंगे और आप लंबी दूरी तक तेज़ दौड़ पाएंगे और इससे आपके स्टैमिना भी बढ़ेगा। चलिए हम बात करते हैं रनिंग स्टैमिना बढ़ाने के बारे में। नंबर फर्स्ट, कंटिन्यूटी रखें। कोई भी चीज़ 2-4 दिनों तक करने से एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती। किसी भी चीज़ को परफेक्शन हासिल करने के लिए उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। यही बात रनिंग पर भी लागू होती है। अगर आप इसके लिए स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन रनिंग जरूर करें, जिस वजह से शरीर के सभी मसल्स एक्टिव रहेंगी। रोजाना रनिंग करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए, बाकी भागने से पहले शरीर के सोई हुई मांसपेशियाँ पूरी तरीके से खुल जाएँ। नंबर सेकेंड, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा दौड़िए। मान लीजिए कि आप आज से रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब हफ्ते 10 दिन आप नॉर्मल दूरी को तय करिए, लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर खुलता जाएगा रोज़ाना रनिंग में थोड़ा समय बढ़ाते जाएं। अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए हर दिन कुछ मिनट बढ़ाएं, इससे यकीनन आपका स्टेमिना बढ़ेगा। नंबर थर्ड, पैदल चलें। वो करने से भी स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है। आपने लोगों को पार्कों में घूमते और टहलते देखा होगा। ज़्यादातर लोग एक ही रफ्तार से चलते रहते हैं, लेकिन इससे शरीर को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर शरीर पर इफेक्ट और स्टेमिना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हर चक्कर के साथ आप स्पीड को बढ़ाइए। मान लीजिए कि जिस पार्क में आप जा रहे हैं उसका एक राउंड आप 4 मिनट में पूरा करते हैं, तो अगले राउंड में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वही चक्कर आप 3 मिनट 55 सेकेंड में पूरा करें। फिर अगले चक्कर में कुछ और सेकंड कम करिए। अगर आप यही रोज़ाना तरीका अपनाएंगे तो आपका स्टेमिना ज़रूर बढ़ेगा। नंबर फोर, आराम और खाना। हफ्तों के 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर होने के लिए समय देना चाहिए।
5 दिन भी रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा रहेगा। रनिंग करते हुए आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप पौष्टिक खाना खाइए ताकि इससे आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचे। 5, अपनी लिमिट को पुश करिए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मनचाहा रिजल्ट आप हासिल नहीं कर सकते। नॉर्मल रनिंग के बाद आप कुछ 1000 मीटर के बाद तेज भागिए और जब तक भागेंगे जब तक सांस ऊपर ना चढ़ जाए। खुद को आप जितना पुश करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा आपको संयम बना के रखना होगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें डेली फिटनेस अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।